इन्हों का क्वेश्चन है कि मैं पंजाबी एम ए की हुई है, इस नाल कॉम्बीनेशन की बनेगा? राजे जब तक तुसी मैनू दूसरे सब्जेक्ट नहीं दसदे, तुसी हिस्ट्री पढ़ी है, पोल साइंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, म्यूजिक पढ़िया है, होम साइंस कुछ भी नहीं पता है ना। सो एम ए पंजाबी की हुई है, तुसी पंजाबी की पैडागोजी लोगे, पैडागोजी ऑफ पंजाबी, इहदा तुहानू दो फायदे हैं। टी जी टी लई भी एलीजिबल हो सीधे, है ना, टी जी टी लई एलीजिबल हो गए और पी जी टी लई भी एलीजिबल हो। टी जी टी दसवीं क्लास तक पढ़ाने लई मास्टर कैडर जिन्हों कहने हैं, पी जी टी ग्यारहवीं ते बारहवीं पढ़ाने लई दोनों लई। सो पंजाबी नहीं छड़नी, दूसरा कोई कॉम्बीनेशन है, मेजर वो बनना है, ये मेजर नहीं बनना, वो जिहड़ा तीन साल तुसी पढ़िया है वो मैनू मैसेज सेंड करो, इस दे नाल फिर तुहानू अगे गाइड कर सकदा हाँ। सो अगले होर जानकारी नाल दिओ कि एम ए तुसी कीती हुई है, जो गवर्नमेंट जॉब च जाना चाहुंदे हो जां इंटरस्ट किच है, नॉलेज ज़्यादा किच है, ये नाल गाइडेंस है, क्योंकि मैं फेस टू फेस गाइड नहीं कर रहा, दैट इज़ वाई इतनी इनफॉर्मेशन मैं इस तरह लै सकता हाँ। सो पंजाबी तुहाडा पी जी टी टी जी टी लई एलीजिबल बनते हो, नाल तीन साल किहड़ा पढ़िया एज इलैक्टिव सब्जेक्ट उसनों प्रैफर एज ए मेजर करोगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्सलेंस।